एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर है 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है कि चेक वेदर द लाइंस, तीन लाइंस हमें गिवन है, हमने चेक करना है कि दे आर कंकरेंट और नॉट। ठीक है, तो वो तीन लाइंस में इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, 4x-3y-8 इज इक्वल टू 0, ये है फर्स्ट लाइन। और दूसरी लाइन है 3x-4y-6 इज इक्वल टू 0, ये है सेकंड लाइन। और थर्ड लाइन है x-y-2 इज इक्वल टू 0, ये है थर्ड लाइन। तो हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि ये तीनों लाइंस आपस में कंकरेंट हैं या नहीं हैं। जिस तरह कि हमने पिछले लेक्चर में कंकरेंट की बात की थी, कंकरेंट क्या होता है, लाइंस कंकरेंट कौन सी होती हैं जो कि एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब कि ये तीनों लाइंस जो हैं L1, L2 और L3, ये मैंने जो ड्रॉ की, ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है और इन तीनों लाइंस को क्या कहेंगे, ये कंकरेंट लाइंस हैं। सही। अच्छा, अब इसमें हम चेक कैसे करते हैं कि हमें इक्वेशंस गिवन हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं है। तो जिस तरह हमने पहले फार्मूला अप्लाई किया था, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया था। ठीक है, मैट्रिक्स किस चीज़ का हमने बनाया था, एक्स के कोफिशिएंट्स का पहला कॉलम, वाई के कोफिशिएंट्स का सेकंड कॉलम और कॉन्स्टेंट्स का थर्ड कॉलम। और उसका डिटरमिनेंट लिया था, अगर वो जीरो की इक्वल आता है तो उसका मतलब ये है कि लाइंस क्या है, कंकरेंट है। अगर जीरो की इक्वल नहीं आता तो लाइंस कंकरेंट नहीं है। ठीक है, तो हम पहले इसका डिटरमिनेंट बना लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में 4 है, दूसरी इक्वेशन में 3 है, तीसरी इक्वेशन में 1 है। और इसी तरह से अब वाई के कोएफिशिएंट्स आएंगे दूसरे कॉलम में, तो वो है -3, -4 और -1। सही है, इस तरह से अब थर्ड कॉलम जो है वो कॉन्स्टेंट्स का बनेगा। पहली इक्वेशन में कॉन्स्टेंट -8 है, दूसरी इक्वेशन में -6 है, तीसरी इक्वेशन में -2 है। अब इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, 3x3 का मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट जैसे फर्स्ट ईयर के मैथ्स में हमने फाइंड किया था उसी तरह से फाइंड करेंगे। इसमें हम फर्स्ट रो के थ्रू इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को, तो ये बनेगा 4 × 8−6 + 3 × −6 + 6 − 8 × −3 + 4। सही। अच्छा, अब यहाँ पर इसको सिंपलीफाई करना है इस इक्वेशन को, तो उसका रिजल्ट चेक करना है कि वो क्या आता है। तो ये बनेगा 4 × 2 + 3 × −6 + 6 = −8 × 4 − 3 = 1। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 8 + 3 × 0 = 0 and 8 × 1 = 8। अब ये इसमें देखें, ये पॉजिटिव 8 है, ये नेगेटिव 8 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइंस हैं और सेम मैग्नीट्यूड है। तो आंसर आपका 0 आया। इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया तो आंसर 0 आया। इसका क्या मतलब है कि तीनों लाइंस जिसका हमने डिटरमिनेंट, जिसके कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट फाइंड किया, वो कंकरेंट हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, दस द लाइंस आर कंकरेंट। हो गया प्रूव। अच्छा, अब उसके अलावा उसने क्या कहा था, इफ़सो, अगर तो ये कंकरेंट हैं, फाइंड द पॉइंट वेयर दे मीट। तो हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस। ठीक है, जिधर ये एक दूसरे को मीट करती हैं, तो वो पॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखें, अब हमने तो प्रूव कर चुके हैं कि ये तीनों लाइंस क्या हैं, आपस में कंकरेंट हैं। ठीक है, मतलब कि एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। तो हम कोई सी भी दो इक्वेशंस लेकर उनको आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, वो पॉइंट आता है जहाँ पर वो मीट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। कोई सी भी दो इक्वेशन ले लेते हैं, चलें हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, उन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4x, फर्स्ट इक्वेशन 4x-3y-8 = 0, 4x-3y-8 = 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन 3x
माइनस फोर वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा अब इन दोनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखें किसी भी एक्स या वाई का वेरिएबल दोनों इक्वेशंस में एक्स या वाई वेरिएबल ठीक है उनका किसी का भी एक कोएफिशिएंट जो है सेम कर लेते हैं, मतलब कि हम इसमें कर लेते हैं वाई के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को ठीक है, दोनों इक्वेशंस में जो वाई वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट्स को सेम कर लेते हैं फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं फोर के साथ और सेकेंड इक्वेशन को थ्री के साथ ताकि ये दोनों वाई के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो 12 बन जाएं ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसके बाद हम उसको एलिमिनेट कर सकेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय फोर एंड इक्वेशन टू बाय थ्री। अच्छा अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है फोर के साथ तो वो क्या बन जाएगी 16x माइनस 12y माइनस 32 इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। और हमने सेकेंड इक्वेशन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 9x माइनस 12y माइनस 18 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये बन जाती है फोर्थ इक्वेशन सही। अब इसमें देखें दोनों वाई के वेरिएबल्स सेम हो गए हैं 12 हैं ठीक है और साइन भी सेम है तो साइन सेम है तो हम इनको ऐड करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएंगे आपस में ठीक है 24 बन जाएगा। लेकिन हम इस तरह करते हैं कि इनके साइन डिफरेंट कर देते हैं, साइन डिफरेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा किसी एक इक्वेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है, तो या फिर इसमें से इक्वेशन नंबर थ्री में से इक्वेशन नंबर फोर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर फ्रॉम थ्री। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये इसके मैं नीचे लिख देता हूँ पहले से जो साइंस हैं उनको रहने देते हैं ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया और ये माइनस से प्लस हो गया ठीक है। तो अब देखें ये 16 माइनस 9x है, 16x माइनस 9x तो ये कितना बनता है 7x ठीक। अब ये 12y 12 माइनस 12y और नीचे प्लस 12y ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस 32 प्लस 18 ये कितना बनेगा, ये आ जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन नंबर फाइव का नाम बल्कि इसको देने का नाम ज़रूरत नहीं है, इसमें से हम एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है ठीक है, उसमें से हम जो है एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स के लिए सॉल्व करते हैं एक्स 7x इज इक्वल टू 14 एंड एक्स इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7 जो कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड करने से एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। अच्छा अब इस 2 को हम पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 2 3 या 4 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि x की जगह 2 आ जाएगा कांस्टेंट ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू या इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगी इक्वेशन 4 इंटू x है ठीक है, x की जगह 2 आ जाएगा 4 इंटू 2 आ गया है माइनस 3y और साथ में है माइनस 8 इज इक्वल टू 0 सही। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है y के लिए तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8 माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो ये 8 8 से कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू 0 आ गया ठीक। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना, x कोऑर्डिनेट 2 है y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट क्या बनता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, 0। और ये पॉइंट कौन सा है, कंकरेंसी पॉइंट ठीक है, जहाँ पर लाइंस आपस में मीट करी हैं इंटरसेक्ट करी हैं और तीनों लाइंस कंकरेंट भी हैं ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस पॉइंट
पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, मतलब कि तीनों लाइंस इस पॉइंट पे आके कंकरेंट हो जाती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं। तो यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था कि आपने एक तो चेक करना है कि तीनों लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं, तो वो हमने मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से फाइंड किया। ठीक है, पहले तो हमने एक मैट्रिक्स बनाया, तीनों जो है इक्वेशंस के कॉफिशेंट्स लिए, कॉन्स्टेंट लिए। ठीक है, पहले में एक्स का कॉफिशेंट आए, दूसरे कॉलम में वाई के कॉफिशेंट्स आए, फिर थर्ड कॉलम में कॉन्स्टेंट्स आए, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड किया 3x3 मैट्रिक्स का। तो वहाँ से हमारे पास रिजल्ट 0 आया, जो कि प्रूव है उस चीज़ का कि ये लाइंस कंकरेंट हैं। अगर 0 ना आता तो हम ये कह सकते थे ये तीनों लाइंस आपस में कंकरेंट नहीं है। तो ये कंकरेंट होगी लाइंस। तो उसके बाद जो है हमने हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ये तीनों लाइंस कहाँ पर मीट करती हैं, कौन से पॉइंट पे मीट करती हैं, कंकरेंसी पॉइंट कौन सा है। तो हमने इन दोनों पहली दो इक्वेशन को लिया और उनको आपस में सॉल्व किया, और सॉल्व करने से एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड की। और वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या हैं, एक्स की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, वाई की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट का। ठीक है, तो वहाँ से जो पॉइंट बना वो रिक्वायर्ड पॉइंट था कंकरेंसी का। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय द लाइंस। ठीक है, मतलब ये तीन लाइंस हमें दी हुई हैं, तीन लाइंस की इक्वेशन दी हुई है। पहली लाइन है एक्स माइनस 2y-6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन की इक्वेशन हमें दी है 3x-y+3 इज इक्वल टू 0, यह है सेकेंड लाइन की इक्वेशन। और थर्ड लाइन की इक्वेशन हमें दी है 2x+y-4 इज इक्वल टू 0, यह है थर्ड लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो ये तीन लाइंस से उसने कहा है कि एक ट्रायंगल बनती है। ठीक है, तो वो तो लाजिम बात है कि एक ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तो तीन लाइंस ही मिलकर जो है एक ट्रायंगल बना सकती हैं। तो उसमें हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनती है उनके वर्टिसेस क्या हैं। ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मतलब कि लेट्स सपोज ये एक लाइन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ये है, इसको मैं L1 कह देता हूँ, सही। और सेकंड लाइन जो है ये सेकंड लाइन है, सही, इसको मैं L2 कह देता हूँ। और ये थर्ड लाइन है, इसको मैं L3 कह देता हूँ। ये तीनों लाइंस आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक ट्रायंगल बना रही हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है L1 और L3 का। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है L2 और L3 का, सही। और ये भी बल्कि ये L1 और L3 का है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है L2 और L3 का। ये मैंने लिख दिया है कौन कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस लाइन का है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने फाइंड करना है ये वर्टिसेस, यही हमने जो है पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिससे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें। अब हम इस लाइंस के नाम दे चुके हैं, ठीक है, L1, L3, L2। अब इसमें से कौन कौन सी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हम कैसे चेक करेंगे, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा जो कि L1 और L2 आपस में जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2। वन एंड टू को सॉल्व करना है तो पहले तो हम क्या करेंगे, देखें, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों में सेम है नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो 3x बन जाए। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 3 है, तो पहली इक्वेशन को 3 से -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1
बाय माइनस थ्री, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस 18 इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन वन की आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन वन बाय माइनस थ्री। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। एडिंग इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू इसके नीचे लिख लेते हैं 3x माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो इसको ऐड करेंगे तो जो ऑपोजिट साइन हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट साइन हो तो ये दोनों कैंसिल हो गए x के, ठीक है। x एलिमिनेट हो गया और यहाँ से 6y माइनस वाई इज 5y आ जाएगा और प्लस 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 21 आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से y की वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 21 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। ये y की वैल्यू आ गई, अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है। y हमें एक पॉइंट के लिए दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, ठीक है, एक x और एक y कोऑर्डिनेट होता है। तो इस y को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में, ठीक है। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं पुटिंग इन इक्वेशन वन, क्योंकि जिन दो इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। थर्ड में हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि इसमें हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे थे। पुटिंग इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है, x माइनस टू वाई, तो y की जगह आ जाएगा माइनस 21 डिवाइडेड बाई 5 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, सही। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को x के लिए, तो ये बनेगा x प्लस 42 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की वैल्यू बनेगी वो आ रही है x इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 5, x इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 5, ठीक है। सिंपलीफाई इस इक्वेशन को करेंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है वो एक वर्टेक्स है, ठीक है, उस ट्रायंगल का। तो वो पॉइंट इसको मैं P1 का नाम दे देता हूँ। तो x कोऑर्डिनेट माइनस 12 बाई 5 और y कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड किया था, माइनस 21 डिवाइडेड बाई 5, ये बन गया P1। P1 किस चीज़, कौन सा पॉइंट है जो सॉल्व करने से बना है इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन L1 है, ठीक है, L1 को रिप्रेजेंट कर रही है और इक्वेशन नंबर टू L2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो L1 और L2 को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, L1 और L2 यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट बन रहा है P1, जिसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर चुके हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस 12 बाई 5 और माइनस 21 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। एक वर्टेक्स तो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने बाकी दो वर्टेसेस फाइंड करने हैं। अच्छा, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स टू कहते हैं, मतलब पॉइंट टू कह देते हैं, ठीक है। P2 से प्रेजेंट करते हैं इसको। तो इसके वर्टेसेस क्या आएंगे, किस तरह आएंगे, इसके वर्टेसेस आएंगे L2 और L3 को सॉल्व करने से, ठीक है। क्योंकि ये किस चीज़ का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कौन से दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, L2 का और L3 का। L2 और L3 यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास एक वर्टेक्स बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, जिसका नाम हमने P2 रखा, और उसके कोऑर्डिनेट्स हम इसको सॉल्व करने, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करने से निकाल सकते हैं, ठीक है। लाइन 2 और लाइन 3 को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 2 एंड 3, सॉल्विंग 2 एंड 3। अच्छा, टू इक्वेशन नंबर 2 क्या है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इक्वेशन नंबर 2, 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास जो गिवन है, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, ये है इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब इसमें देखें, अगर किसी एक वेरिएबल के कोफिशेंट दोनों इक्वेशन में सेम हैं या नहीं, ठीक है। एक्स के कोफिशेंट्स अगर देखें, पहली में 3 है और दूसरे इक्वेशन में 2 है कोफिशेंट, ये तो सेम नहीं है, ठीक है। तो वाई के कोफिशेंट्स अगर देखें, पहले में 1 है, माइनस 1 है और दूसरे में प्लस 1 है, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन डिफरेंट है। तो इसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो ये दोनों
आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइंस हैं और सेम मैग्नीट्यूड है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एडिंग वन टू एंड थ्री, इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, सही है। तो इनको ऐड करने से ये देखें वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम साइन है, प्लस साइन है, ठीक है। तो ये बन जाएगा फाइव एक्स और ये बनेगा माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू वन बाई फाइव, ठीक। एक्स की वैल्यू आ गई, अब हमने वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में पुट करते हैं क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू कहाँ से निकाली, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो एक्स की वैल्यू पुट भी हम इन दोनों की इक्वेशन में से किसी एक में करेंगे, फिर हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी। तो हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देते हैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन बाई फाइव इन इक्वेशन टू, सही। तो इक्वेशन टू में पुट करते हैं हम, इक्वेशन टू है थ्री इन टू एक्स, एक्स की जगह वन बाई फाइव आ जाएगा, माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, सही। तो ये हमारे पास बन रही है इक्वेशन थ्री बाई फाइव माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव प्लस थ्री, ठीक है। तो ये बन जाएगा फाइव और ये बन जाएगा थ्री प्लस एलसीएम में ले रहा हूँ, ठीक है। तो वन फाइव फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, तो ये बन जाएगा एटीन डिवाइडेड बाय फाइव, y की वैल्यू आ गई एटीन डिवाइडेड बाय फाइव, ठीक। x की वैल्यू हमारे पास जो पहले हमने फाइंड की वो क्या थी, वन बाय फाइव, और y की वैल्यू 18 बाई फाइव। तो ये P2 है, P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 बाई फाइव और 18 डिवाइडेड बाई फाइव। अच्छा, अब ये देखें P2 हमने कहाँ लिखा था, अपने ट्रायंगल में P2 ये बनता है, ठीक है, जो कि L2 और L3 को इंटरसेक्ट करने से बनता है, ठीक है। तो इसकी हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख देते हैं 1 बाई फाइव और 18 डिवाइडेड बाई फाइव, सही। अच्छा, अब ट्रायंगल में अगर देखें तो P3 पॉइंट थ्री जो है वो किस तरह बन रहा है, ठीक है। वर्टेक्स जो हमारा थर्ड वर्टेक्स है वो L1 और L3 को इंटरसेक्ट करने से बन रहा है, सही है। तो हम L1 और L3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ सकता है। तो सॉल्विंग L1 एंड L3, सॉल्विंग L1 एंड L3, सही है। तो L1 और L3 को आपस में सॉल्व करते हैं। L1 की जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, x माइनस टू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और L3 की जो इक्वेशन है टू एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये है L1 और ये है L3। अच्छा, अब L, अब इसके कोएफिशिएंट देखते हैं, x के कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में वन है, दूसरी इक्वेशन में टू है। वाई का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन माइनस टू है, तीसरी इक्वेशन में प्लस वन है। तो इन दोनों में से कोई एक सेम कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन थ्री को अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें तो वाई का कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे और डिफरेंट साइन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम उसको ऐड करके एलिमिनेट कर सकते हैं वाई को। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री बाय टू, तो ये बन जाएगा फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो, सही है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन वन, एक्स माइनस टू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एडिंग इसको इक्वेशन फोर का नाम दे देते हैं, एडिंग फोर एंड वन, सही। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इसको ऐड करने से, फोर एक्स प्लस एक्स इज फाइव एक्स और टू वाई माइनस टू वाई कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एट माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन डिवाइडेड बाई फाइव, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम इस एक्स की वैल्यू को इनमें से किसी इक्वेशन में वन थ्री या फोर में पुट करके
वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 14/5 इन इक्वेशन वन, तो वो बन जाएगा 14/5 - 2y, 14/5 - 2y -6 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं y के लिए, तो हमारे पास जो y की वैल्यू बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू -8/5। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8/5। तो ये पॉइंट बन गया P3 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x कोऑर्डिनेट जो हमने फाइंड किया 14/5 और y कोऑर्डिनेट जो हमने फाइंड किया -8/5। ठीक है, ये P3 आ गया। अब P3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं अपने ट्रायंगल में भी। तो ट्रायंगल में जो P3 यहाँ पर लाइ कर रहा है जो कि L1 और L3 का इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं 14/5 और -8/5। ये वर्टिसेस हमने फाइंड करने थे। ठीक है, और इसके अलावा हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमने फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, के हर ये जो ट्रायंगल है इसके एंगल्स भी हमने फाइंड करने हैं। मतलब कि ये एंगल्स कौन से बनते हैं इसके, ये एंगल बन रहा है, सही, ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। तो इन एंगल्स के नाम दे देते हैं, इसको θ1 कह देते हैं, ठीक है, इसको θ1 कह दिया, इसको θ2 कह दिया और इसको θ3 कह देते हैं। अच्छा, अब इन तीनों थीटास की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, कल जो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि दो साइड्स के दरमियान, दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बनता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो θ1 देखें कौन कौन सी लाइंस बन रही हैं, एक L1, ठीक है, और L2, L1 और L2 के दरमियान में एंगल बन रहा है θ1। तो हम कह सकते हैं कि tan θ1 इज इक्वल टू m1, ठीक है, इसकी स्लोप को हम कह देंगे स्लोप इज इक्वल टू m1 और इसकी स्लोप को हम कह देते हैं स्लोप इज इक्वल टू m2। तो ये बन जाएगा tan θ1 इज इक्वल टू m1 -m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2, सही है। तो ये tan θ1, यहाँ से θ1 की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2, ठीक है। ये फार्मूला हम tan θ1 के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें हमें m1 और m2 चाहिए होगा, ठीक है। m1 और m2 क्या चीज़ है, m1 जो है स्लोप है लाइन 1 की और m2 जो है वो स्लोप है लाइन 2 की। तो हम स्लोप्स पहले फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1 स्लोप फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। लाइन 1 की इक्वेशन क्या थी, x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा -2y इज इक्वल टू x - x + 6, ठीक है, और y इज इक्वल टू x/2 - 6/2, ठीक है। ये बन गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप जो है वो बन गई 1/2 × x, सही, -3। तो ये स्लोप बन गई, ठीक है, y इज इक्वल टू mx + c होता है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो m की जगह 1/2 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं m1 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से स्लोप ऑफ लाइन 2 भी फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 2, ठीक है, वो उसकी भी इक्वेशन हमें गिवन है लाइन 2 की, उससे हम फाइंड करेंगे 3x - y + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 3x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर करें
ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब m की जगह देखें तो 3 पड़ा हुआ है, तो m जो है वो 3 के बराबर हो गया, m 2 सही है, तो ये स्लोप आ गई लाइन 2 की। इसी तरह से स्लोप ऑफ लाइन 3 फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 3 कैसे आएगी, हमें लाइन 3 की भी इक्वेशन गिवन है, जिस तरह हमने पहली दो इक्वेशन से स्लोप फाइंड की उसी तरह से हम फाइंड करेंगे 2x plus y minus 4 is equal to 0। देखें अब यहाँ से भी इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगी, y is equal to minus 2x plus 4 सही है, तो ये जो है m की वैल्यू है, m 3 is equal to minus 2, ये बन गई स्लोप ऑफ लाइन 3। ठीक है, तो ये अब हमने तीनों स्लोप्स तो फाइंड कर ली, अब हम थीटास फाइंड करेंगे, थीटास का फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा था ये देखें, थीटास था m1 और m2 हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, m1 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, m2 की वैल्यू 3 है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको m2 कह दें, ठीक है, दूसरी स्लोप को पहले लिख देते हैं m2 और इसको m1 कह दें, सही, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 इंटू 1/2 सही। तो इसका हम सॉल्व करके टेन इनवर्स जब लेंगे तो हमारे पास एंगल बनेगा 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री एंगल, थीटा 1 की वैल्यू है ये, सही है, थीटा 1 हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से थीटा 2 और थीटा 3 भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है, थीटा 2 किसके बराबर होगा, थीटा 2 में अगर आप देखें ट्राइंगल में, ट्राइंगल जो हमने बनाई थी ये है, ठीक है, थीटा 2 बन रहा है L2 और L3 के दरमियान, तो हम इसमें M2 और M3 यूज़ करेंगे क्योंकि लाइन 2 की स्लोप क्या है M2 और लाइन 3 की स्लोप क्या है M3। अब यहाँ पर हम M2 और M3 यूज़ करेंगे, tan थीटा 2 इज इक्वल टू ये बनेगी M3 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 M2, ठीक है, इस तरह से पहले हमने जो है एंगल फाइंड किया थीटा 1, उसी तरह से हम फाइंड करेंगे थीटा 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ M3 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 M2 सही है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ M3 की वैल्यू है माइनस 2 और M2 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस 2 इंटू 3 सही। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो भी है 45 डिग्री, ठीक है, मतलब थीटा 2 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। इसी तरह से अब हम अगर आएँ थीटा 3 के ऊपर, थीटा 3 टेन थीटा 3 इज इक्वल टू टेन थीटा 3, देखें थीटा 3 किस किस लाइन के दरमियान बन रही है, ठीक है, तो थीटा 3 बन रहा है L1 और L3 के दरमियान, मतलब कि हम M1 और M3 यूज़ करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं M3 M1 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M3 सही। तो यहाँ से थीटा 3 आ जाएगा, ये फार्मूला हम जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में, तो वही मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ एंगल फाइंड करने के लिए, तो टेन इनवर्स ऑफ थीटा 3 एम 3 इस फार्मूले में पुट करना है, तो एम 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम 1 की वैल्यू 1/2 है माइनस इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम 1 एम 2, एम वन है 1/2 इंटू एम 2 है माइनस 2। अब इसको सॉल्व करें तो थीटा 3 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री सही, तो ये तीनों थीटास भी आ गए, थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो 45 डिग्रीज के हैं, ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2 और ये 90 डिग्री का है, तो इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, इसको हम कह सकते हैं 45 डिग्री और इसको हम कहेंगे ये 90 डिग्री है, ठीक है, कोई से भी अगर हम दो भी एंगल्स अगर फाइंड कर लेते, ठीक है,
तो मतलब ये थीटा वन और थीटा टू मैंने फाइंड कर लिया, जो कि 45 डिग्री 45 डिग्री है। थर्ड एंगल फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, मतलब कि थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के जो है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते थे, अगर थीटा थ्री मैंने निकालता, थीटा वन निकालता, थीटा टू निकालता, जो कि वैल्यूज आ चुकी हैं 45 प्लस 45 प्लस थीटा थ्री इज इक्वल टू 180। इस इक्वेशन से हम थीटा थ्री की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। ठीक है, तो जो कि मैंने वैसे भी फार्मूला से जो फाइंड किया वो भी 90 डिग्री आया। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड होता है। ठीक है, हमने इसमें क्या तीनों एंगल्स भी फाइंड किए और तीनों वर्टिसेस भी फाइंड किए। हमें तीन लाइंस की इक्वेशन दी हुई थी, तीन साइड्स की इक्वेशन दी हुई थी, हमने उससे वर्टिसेस भी फाइंड किए, उसके कोऑर्डिनेट्स, और साथ में उसके एंगल भी फाइंड किए। वही सेम मेथड जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वही फार्मूला जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी थी कि इस क्वेश्चन में कैसे होगी।